क्या नाम हुआ चीचा जी आपका? मेरा नाम हो रहा है गोपाल राय। आपकी जो नीतीश बाबू कल ये ऐलान कर रहे हैं चुनावी सभा से कि मेरा आखिरी चुनाव है, अंत वाला तो सब बना एक चुनावी जुमला है कि वो सच में ले रहे थे चुनावी जुमला है। तो अब क्या देखे लो चाहे सब चेहरा पीछे आया हुआ है, तेजस्वी का चेहरा आया हुआ है। तेजस्वी का चेहरा? हाँ, तेजस्वी का चेहरा आया हुआ। आपको क्या लगता है चाचा? हम जो बोल रहे हो हम तो बड़े हो भाई, वही बोलेंगे। अच्छा आप नहीं बताइएगा? हाँ वही बोलेंगे तो हम लोग तो बड़े हैं। अच्छा आप बताइए कि अब की तो सवाल तो आपको पता है तो बताइए कि जो बयान दिए हैं कि अंत भला तो सब भला, मेरा अंतिम चुनाव है, तो उस सच में ये पहले कहने बोला था? उस सच में नहीं, पहले कहने बोला था? तो हम लोग भी जानते हैं कि परीक्षा में अंत भला तो सब भला। अच्छा आप बताइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए उनका चुनावी जुमला था ये कि उस सच में ले लिए संन्यास? हाँ उनको संन्यास लेना ही पड़ेगा। हाँ काहे? हाँ काहे? वो अपने सरेंडर कर रहे हैं, अपने को मैदान से भाग रहे हैं। आज तो पेपर पढ़ के देखिए क्या लिखी है। आपको यही लगता है कि संन्यास ले लेंगे? हाँ सिलेंडर है, कहानी खत्म है, कहानी खत्म। हाँ चले चाचा बोलिए। फ्लो में लगता है चुनाव में बखुला गए। हाँ पूरे बखुला हो गए मुख्यमंत्री, एगो तेजस्वी सब पर भारी पड़ गया। उनका जो धंधा किए एगो पर कितना मंत्री उठा दिए, कैबिनेट मंत्री सेंट्रल मंत्री सब उतर गया। तो चिराग भी तो युवा चेहरा है, चिराग पासवान, तो उसको देखिएगा मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले समय में उसको देखा जाएगा। हाँ उसको एकदम लाया जाए, युवा है। हाँ एकदम युवा है। हाँ एकदम युवा है। अच्छा ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण उनको बोलना पड़ गया कि अंत वाला तो सब बला ही मेरा आखिरी चुनाव? पब्लिक का जो कोरोना काल बीता ना, इसके लेके पब्लिक का देखे तो ये उनका अति जुमला नहीं, वो सच में ले लेंगे, एकदम सच में ले लेंगे ही। उनको फायदे लेने में ही फायदे, लेने ही में फायदे, उनका इज्जत बरकरार रह जाएगा, प्लस कस्टडी भी होगा। ये बात सुन लीजिए, ये लालू यादव जी के समय में वो बोल रहे थे कि जंगल आ गए, चलिए हम भी मानते हैं, सबको जनता मानता है। नीतीश जी के राज में समझ गए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दिया उसको, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि इनके राज में उजागर राज हुआ है। तो आप ऐसे बताते हैं सब समझ, एक काम को आपने यानी तीन बार कराया। रोड बनने से पहले क्या बनना चाहिए बोलिए? नाला। नाला, हम सही बात बोल रहे हैं। ये पहले क्या करते हैं? पहले रोड बनवाते हैं, इसके बाद नाला का ही करते हैं, इसके बाद अब क्या करते हैं? फिर रोड खुनवा कर फिर अंदर पाइप डलवाते हैं। एक काम को इन्होंने तीन बार पैसा लिया, इनका यानी इनका मेन मोनोपोली है कि एक काम को तीन बार पैसा लो। आज तक ये इतना बात बताइए कि कोई भी यानी गरीब आदमी को ठेकेदारी मिला है? जो भी ठेकेदारी दी ना, समझिए हम लोग पटना का लोकल पटना का, जो भी ठेकेदारी दी ना अपने कौम को दी ना, हाँ चलिए हमारे पास लिस्ट अपने अपने कौम से, मतलब हाँ कौम से ज़्यादा जुड़े रहे हैं। कौम से क्या तात्पर्य है? आपके राज में जनता यानी सिर्फ आप ही का कौम है, और कोई कौम है? तो मतलब कि वो इस बार मिला जुला के वो संन्यास एकदम संन्यास को उनको जेल जाना पड़ेगा? हाँ कैसे? मुजफ्फरपुर का कांड लीजिए, मुजफ्फरपुर मुंगेर का कांड लीजिए, मुंगेर का कांड लीजिए, और कितना बता रहे हैं? और लालू जी तो यानी छः साढ़े छः बरस में खटे ना, इनको
हम अगर हाकिम रहेंगे ना तो सीधे फांसी पे उठेंगे। पूरा गुस्सा है। हाँ गुस्सा में क्या, क्यों नहीं, हम भूखे हैं, आप भूखे हैं तब भूख रहे हैं। अरे इधर आइए ना, उनसे ना, आप भूखे तब ना घूम रहे हैं आप, इधर करके धन्यवाद आप लोग अपना नहीं। देखिए हम मीडिया वाला तो बोलते हैं दवाइयाँ, अरे या बुरे वक्त में मीडिया वाला लेकिन बाकी नेता जो है ना कोई भी नहीं, चलिए इतना तो है ना कि मीडिया आपका हाल समाचार, बाकी कोई मीडिया नहीं आ रहा, बस बस सभी लोग आए ना, आप लोग आए, हम मीडिया वाला का धन्यवाद देते हैं कि वो लोग कम से कम हमारे और भले वक्त में आ करके कम से कम हम लोग से पूछ लेते हैं। और जितने जो नेता हैं चाहे कोई रहे, तेजस्वी यादव रहे, चिराग पासवान रहे, चाहे पप्पू यादव रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, हमको इन लोग से पूछ लेते हैं।